वेलकम टू पुणे। अभी यहाँ से जाना है रुचि के रूम पे। रुचि के रूम पे जाने के लिए वारजे मारवाड़ी नाम की पीएमटी पकड़े। इम्पोर्टेंट है और काफी लंबी होने वाली है। कम से कम लगभग 30-35 एपिसोड्स में ये ट्रिप समाप्त होगी। गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 11:15। तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लास्ट वीक मैंने एक भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया। उसके पहले मैंने प्री वेडिंग का वीडियो डाला था लास्ट संडे। लेकिन जनरली मैं वन वीक में 2 ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ, एक रहता है थर्सडे को और एक रहता है संडे को। तो लास्ट वीक मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि लास्ट वीक मेरा काफ़ी बिजी चल रहा था। लेकिन जो संडे को मैंने अपनी प्री वेडिंग का फिल्म अपलोड की थी उस पर आप लोगों ने एकदम काफ़ी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना आप रिस्पॉन्स दिखाओगे। 1 वीक के अंदर अंदर 2K व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं और जो कॉमेंट्स आए, कॉमेंट्स पढ़ के मुझे इतना मजा आ रहा था, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं उस्मानाबाद, तेरखेड़ा से उस्मानाबाद जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को कार में चल के बताता हूँ। तो कार भी काफ़ी गंदी है, आने के बाद कार वॉश भी करना पड़ेगी। और जब हम लोग सोलापुर गए थे मैंने सर्विसिंग का ब्लॉग अपलोड किया था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इंश्योरेंस ले दी थी। तो लद्दाख में मैंने जो कांड किया था, यहाँ पे रेयर डोर के ऊपर थोड़ा सा घिस गया था और नीचे का पूरा पैनल घिस गया था, तो वो भी अपन ने इंश्योरेंस क्लेम करके ठीक करवा लिया है। अब कार को देखने में मज़ा आ रहा है। जब भी मैं उस घिसे हुए चीज़ को देखता था, पार्ट को देखता था, तब चुपता था वो, लेकिन अब अपनी राम पैरी एकदम तैयार हो चुकी है। और अगली रोड ट्रिप की भी प्लानिंग चल रही है, रिसर्च चल रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा अपडेट दे दूंगा मैं इस व्लॉग में। ब्रिज दिख रहा है, यहाँ से स्ट्रेट हम लोग उस्मानाबाद के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये ब्रिज बंद किया गया है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, क्योंकि तुलजापुर की जो देवी है, तुलजा भवानी देवी, कल पूर्णिमा भवानी की वजह से वहाँ पे कई सारे भक्त पालकियाँ लेकर जाते हैं। ये येरमाले का चौक है, यहाँ से राइट लेने के बाद बारशी से सोलापुर के लिए रीरूटिंग किया गया है बड़े व्हीकल्स के लिए। और अभी छोटे व्हीकल्स के लिए आगे परमिशन देते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। काका उस्मानाबादला इकडून जायचं काय? उस्मानाबादला छोटे व्हीकल्स को तो छोड़ रहे, लेकिन जितने भी बड़े व्हीकल्स है उनको सोलापुर अगर जाना है तो बारशी से होकर जाना पड़ेगा। और उस्मानाबाद अपने घर से उस्मानाबाद का डिस्टेंस है 39.1 किलोमीटर लगभग। 40 किलोमीटर पार करने में हम लोगों को लगे 40 मिनट, 1 मिनट में 1 किलोमीटर पार कर रहे थे हम लोग। और आज उस्मानाबाद आने का हम लोगों का रीज़न ये था कि मोगू को जॉब का ऑफर लेटर आ चुका है, क्योंकि जब हम लोग सोलापुर में जब थे गाड़ी इंश्योरेंस पर डाली हुई थी, तब मोगू का फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था ना, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू वो मोगो ने क्लियर किया था, हडल कंपनी है। सेकेंड राउंड इंटरव्यू के लिए हम लोग, मैं और मोगो के इंटरव्यू के लिए गए थे पुणे। वेलकम टू पुणे। अभी यहाँ से जाना है रुचि के रूम पे। रुचि के रूम पे जाने के लिए वारजे मारवाड़ी नाम की पीएमटी पकड़ना पड़ेगी हम लोगों को, जो कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे रुचि ने दी है, क्योंकि मैं पीएमटी में लगभग 4 साल के बाद प्रवास कर रहा हूँ और ट्रेन में भी मैं लगभग 3 या 4 ईयर के बाद ही बैठा हूँ। और अपने चैनल का ये पहला ट्रेन की जर्नी थी। और कितने दिन पहले आ गया था ऑफर लेटर? अभी 2 दिन पहले आया था परसों, और 2 दिन पहले मोगू का ऑफर लेटर आ चुका है। और 2 हफ्ते पहले मोगू ने अपनी MBA की डिग्री भी कम्प्लीट की थी, तो डिग्री कम्प्लीट करते बराबर जॉब को लग चुका है बदला एकदम।
पहले तुम सब उनका जो ट्रेनिंग है 14 से लेके तो ये वाले 14 से लेके तो अगले 13 तक एक महीने की ट्रेनिंग है। उसके लिए हम लोगों को चाहिए भाई इंटरनेट, और तेरखेड़ा में गांव में वाईफाई का कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। हम लोगों ने BSNL से भी अप्रोच किया था, लेकिन BSNL से हम लोगों को सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिले। वो लोग सिर्फ कारण दे रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, हम लोगों के पास लाइन नहीं है वगैरह वगैरह। तो हम लोग आज आए डोंगल लेने के लिए। तो हम लोगों को दो डोंगल देखने, एक देखना है एयरटेल का और दूसरा देखना है वी का। तो दोनों में से जिसके प्लान हम लोगों को पसंद आएंगे, और स्पीड भी मैटर करता है, तो उन दोनों में से हम लोग चूज करके आज एक फाइनल करके कर ले जाएंगे। 14 के पहले हम लोगों को एक करना था, इसलिए आज हम लोग उसको बताए। काम के लिए गए थे, वो काम तो नहीं हो पाया, पैसा बर्बाद हो गया जाने आने का। टोटल हम लोगों ने 90 किलोमीटर किया, और 90 किलोमीटर करने में हम लोगों को 23.2 kmpl का माइलेज कार ने दिया है। और एक मिनट में आप लोगों को बताता हूँ, 20,000 किलोमीटर पे अपन लोगों ने 4 सर्विसिंग की थी कार की, और अब नेक्स्ट सर्विसिंग 5th सर्विसिंग होगी 30,000 किलोमीटर पे। और जब लास्ट मैंने ब्लॉग अपलोड किया था एंगेजमेंट और प्री वेडिंग वाला ब्लॉग, उसके पहले वाला ब्लॉग, 4th सर्विसिंग का कॉस्ट दिखाया था उसके अंदर मैंने, जो कि आया था 5,000 समथिंग रुपीज आया था। तो मुझे उसके कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने ये पूछा कि इतना ज़्यादा कॉस्ट क्यों आ गया। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, जो मैंने इसके पहले 3 सर्विसिंग किए थे, जो कि मैंने अपने टाटा टियागो के रिव्यू में कवर किया है, उसका कॉस्ट मुझे लगभग 2,000 आया था। और 4th सर्विसिंग का कॉस्ट अचानक से 5,000 आने की वजह से मुझे वो कॉस्ट ज़्यादा लगा था, जो कि पहले 3 सर्विसिंग थे वो सर्विसिंग अपन लोगों को फ्री थे, उसके अंदर लेबर चार्ज वगैरह वगैरह नहीं लगता था। लेकिन अब पेड सर्विसिंग में अपने को टोटल सारे कॉस्ट लगते, इंटीरियर क्लीनिंग का, एक्सटीरियर क्लीनिंग का, लेबर चार्जेस, और उसके अंदर मैंने अंडर बॉडी साइलेंसर कोटिंग भी करवाई थी। इसके लिए अपने को 4th सर्विसिंग का कॉस्ट 5,000 रुपीज आया, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। और इसके बाद की सर्विसिंग होगी डायरेक्टली 10,000 किलोमीटर के बाद, तो अफोर्डेबल है इसका मेंटेनेंस। तो ये पॉइंट मुझे कवर करना था। अब क्या हुआ मैं घर पे जाके बताता हूँ। हम लोग जब उस्मानाबाद गए थे, हुआ ये, हम लोगों ने पहले एयरटेल स्टोर विजिट किया। एयरटेल स्टोर विजिट करने के बाद उन लोगों ने कहा कि हम लोग बस पोस्टपेड प्लान नहीं है, सिर्फ प्रीपेड प्लान थे ना उसके पास। और मोगू ने एयरटेल का एक पोस्टपेड प्लान चेक किया था ऑनलाइन, वो था कितने, 2,000 रुपये में 500 GB मंथली, यानी कि डेली का 4 या 5 GB दे रहा था वो, बराबर क्या? तो अनलिमिटेड डेली में, अच्छा डेली 500 GB में से कितना भी अपन मंथली यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ उसका प्लान था। तो वो प्लान बंद हो चुका है हम लोगों को उधर जाने के बाद पता चला। तो हम लोग वहाँ से गए डायरेक्टली वी स्टोर पे, और मैप पे जो वी स्टोर की लोकेशन दिखाई थी, हम लोग वो लोकेशन पे गए। वहाँ पे लिखा भी हुआ था, बड़ा बोर्ड लगाया हुआ था रेड कलर का, वी स्टोर, और ऐसा डायरेक्शन किया गया था, लेकिन वहाँ पे कोई भी वी स्टोर नहीं था। जो वी स्टोर के नाम से जो दुकान था, वो एक बंदे ने खोला, तो अंदर कुछ भी नहीं था, पूरा दुकान खाली था, वहाँ पे वी स्टोर नहीं था। तो उस्मानाबाद जैसे बड़े खेड़े में कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन किया, तो एयरटेल का जो डोंगल है वाईफाई का पैक, वो हम लोगों को नहीं परवड़ रहा है। उसका कितना जा रहा है पैसा मंथली? 5,000 के ऊपर जा रहा है, 2,000 के ऊपर जा रहा है। और वी का जो है वो 800 रुपये पोस्टपेड का प्लान है, 800 रुपये में डेली अनलिमिटेड डाटा अपन लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों का अभी वही डिस्कशन चल रहा है। एयरटेल नो डाउट स्पीड में काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन वी का अभी हम लोग स्पीड टेस्ट कर रहे हैं। अगर वी स्पीड देता है तो हम लोग वी फाइनल करेंगे, वी मंगवा लेंगे। थोड़ा तो हुआ के क्या हुआ, कितनी है? MBPS सिर्फ वहाँ पे, वहाँ पे शूज में रख कर देखा। और मोगू को मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट है 10 MBPS का, मिनिमम मिनिमम 10 MBPS का रिक्वायरमेंट है, यानी कि स्टेबल स्पीड चाहिए 10 MBPS की।
और वी यहाँ पे स्पीड दे रहा है 1 Mbps सिर्फ। दो तीन Mbps के ऊपर ही नहीं जा पा रहा। अपलोड डाउनलोड स्पीड 2.63 Mbps यानी अपलोड स्पीड 2 Mbps है क्या 4 Mbps। लिख क्या रहा है कि अभी हम लोगों ने वी का टेस्ट किया स्पीड टेस्ट और अब हम लोग एयरटेल का स्पीड टेस्ट कर रहे हैं और ये रही एयरटेल की स्पीड। अभी स्टेबल होने देते पहले इसको। एयरटेल का डाउनलोड स्पीड है 29.8 Mbps डाउनलोड स्पीड दिखा रहा है एयरटेल और अपलोड स्पीड है 6.83 Mbps। इसलिए मैंने कहा था एयरटेल नो डाउट सबसे सुपर फास्ट नेटवर्क है अभी के सिचुएशन में, लेकिन एयरटेल के जो पैक्स है वो अफोर्डेबल नहीं है। अभी इसके ऊपर कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या करने का, तो मैंने आप लोगों को ब्लॉग के शुरुआत में ये कहा था कि एक ट्रिप की प्लानिंग चल रही है मेरी, तो उस ट्रिप के बारे में थोड़े से आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ। जैसे हम लोगों ने अभी तक YouTube जर्नी स्टार्ट करने से लेके तो अभी तक अपन लोगों को 2 साल हो चुके हैं YouTube चैनल स्टार्ट करे, 2 साल होने में अभी 2 महीने बचे, और इन 2 सालों में मुझ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। अगर आप लोग मेरे जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था 2020 में ना 2021 में हाँ 2021 में मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, 2021 के अगर आप लोग पूरे वीडियो चेकआउट करोगे तो उसके अंदर ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। 2022 के वीडियो देखोगे तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, एडिटिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट है, उसके अंदर थोड़ा 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 मज़ा आने स्टार्ट होता है। और इसके बाद मेरी इस ट्रिप में काफ़ी कुछ चेंज मैं करने वाला हूँ, और इस ट्रिप के लिए मैंने ड्रोन लेने का भी सोचा है। अब वो ड्रोन जब आएगा तब आप लोगों को ब्लॉग के थ्रू पता चल जाएगा। अब इतना सारा तामझाम हम लोग कर रहे तो ये ट्रिप इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लंबी होने वाली है। कम से कम लगभग 30-35 एपिसोड्स में ये ट्रिप सम अप होगी, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। और डेस्टिनेशंस रहेंगे 18 से लेके तो 20 डेस्टिनेशंस हम लोग कवर करने वाले हैं। बीच में अगर कोई और एक्सप्लोर करने लायक डेस्टिनेशन मिलती तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो इतनी बड़ी ट्रिप रहने वाली है, लगभग मुझे तो लगता है 10,000 किलोमीटर्स की ट्रिप रहेंगी। तो इतनी बड़ी ट्रिप हम लोगों को 19 फरवरी से पहले कंप्लीट करनी है। अब ये हिंट है 19 फरवरी से पहले क्यों कंप्लीट करनी है और मैं क्या करने वाला हूँ ये आप लोगों को मैं अगले ब्लॉग में बताता हूँ जब अपना ड्रोन आएगा तब। तो तब तक के लिए वेट कीजिए, ब्लॉग्स देखते रहिए। अगर आप लोगों ने प्री वेडिंग फिल्म नहीं देखी होगी तो यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, यहाँ पर कहीं पर तो लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा लिंक, तो जाकर देख लीजिए। और इसके पहले के ब्लॉग देख लीजिए अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो मैंने पहले भी बोलते हैं फिर से बोल रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।